Subscribe to NVC for maths and press the bell icon to never miss any updates. नारायण विद्या केंद्र के YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं मृत्युंजय कुमार आज आपके सामने एक फनी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है, उसी ने ये क्वेश्चन भेजा था। मुझे लगा कि चलिए एक वीडियो बनाते हैं इस पर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। और एक महिंद्रा का गाड़ी आप देख रहे हैं, है ना? हाँ। और इसमें जो है गाड़ी में कुछ लिखा हुआ है कि बताओ गाड़ी पर क्या लिखा हुआ है ना? तो आइए हम लोग देखते हैं कि गाड़ी पर क्या लिखा हुआ है। ज़रा भाई हम भी ज़रा देखना चाहते हैं। देखिए ये आपका प्रश्न है, ये प दो बटे दो पूर्णांक एक बटे दो जी वन का एक बटे दो र है, ऐसा कुछ प्रश्न का है ना? तो ये गाड़ी पर जो लिखा हुआ है बात, ये क्या कहता है इसके बारे में ज़रा सा हम लोग समझें। तो देखिए जो बच्चे भेजे हैं वो ज़रा समझेंगे और बाकी सभी समझे तो अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। ये क्या लिखा हुआ है? प प। और अगर आप पुरानी भाषा के अनुसार चलेंगे तो ये जो ऐसे लिखा हुआ है ना, इसको ढाई बोलते हैं। ढाई, ढाई रुपये नहीं बोलते हैं अभी भी? अगर हमारे पास 2 रुपया 30 पैसा हो, है ना, तो उसको ढाई बोलते हैं। तो ढाई हो गया, तो मिलके बन गया क्या? पढ़ाई, है ना? ये क्या हो गया? इंग्लिश में जी लिखा हुआ है तो इसको भी हम जी ही कहते हैं। और ये जो है एक नहीं है, ये वन है। क्या है? वन। तो पढ़ाई जीवन का, है ना, का हो गया ये। और आधा हो गया ये, आधा, आ धा, स्पेस भी कम हो रहा है। हाँ थोड़ा ऐसे करते हैं, आधा, ओके। और देखिए र लिखा हुआ है, र र, तो यहाँ क्या हो जाएगा? र, आधार। और अंत में क्या है बच्चों? अंत में है। तो कुल मिला के क्या बन गया? पढ़ाई जीवन का आधार है। पढ़ाई जो होता है वो क्या होता है? हमारे जीवन का एक आधार होता है। तो क्वेश्चन था कि तेज दिमाग वाले हैं तो बताइए। भाई अब पता नहीं मेरा दिमाग तेज है कि अच्छा है ये नहीं मालूम, लेकिन मैंने आपको हो सकता है कि अच्छे से समझा पाया। पढ़ाई जीवन का आधार है। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप अपना आधार को ख़त्म कर दिए, और आधार जिसका ख़त्म हो जाता है उसका समझिए सब कुछ ख़त्म हो जाता है। जिस छत पे आप खड़े हैं तो आप खड़े हैं और आपका आधार कौन है? छत है। अगर छत नहीं रहे, आधार नहीं रहे, छत टूट जाए, आधार टूट जाए, तो आप कहाँ जाएंगे? सीधे नीचे। और नीचे के बाद फिर कहाँ जाएंगे? ऊपर, भगवान के पास। समझ रहे हैं बात को? तो पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई ही एक ऐसी शस्त्र है हमारे पास, जिससे हम हर एक इंसान को, हर एक युद्ध को, हर एक चीज़ों को हम लोग जीत सकते हैं। हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो मुझे लगता है बच्चों आप सबको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।